चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक दो तीन दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। एक्चुअली आंधी पानी आ गई थी तो लाइट सभी खराब हो गई थी, यहाँ पर सभी खंभे वगैरह गिर गए थे, इसलिए आपके क्लासेस मैं नहीं ले पाया। आपसे फिर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, और उस दिन मैंने कुछ रिकॉर्डेड क्लास आपके प्रीमियर कर दिए थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। जीएस की क्लासेस थी, तो लेखपाल के लिए हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं उस पर आप सबको वो सभी जीएस के लेक्चर उसमें मिल जाएंगे, तो आप सब उसे भी देखा करो, ठीक है। हिंदी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आप सब अधिक से अधिक लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं, मजा कम आ रहा है, तो आप सब अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। और यदि कोई समस्या होती है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है या ये चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं या कुछ एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं उस चीज का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो पास्ट सीखना शुरू किया था, और पास्ट परफेक्ट तक हम लोग सीख चुके थे। आज का जो टेंस है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा हुआ करेगा? इसमें भी काम चल भी रहा होगा और कुछ खत्म भी हुआ रहा है, लेकिन कैसे? हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कर रहे थे कि काम पीछे समय पे, मतलब भूतकाल में तो चालू हुआ, वर्तमान में भी चल रहा था और भविष्य में भी चलते रहने की आशा है, ऐसा होता था। लेकिन जो पास्ट हुआ करेगा उसकी थोड़ी सी कहानी अलग है। पास्ट की कहानी क्या है? जैसे मैं एक दो वाक्य पहले लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा राजेश सुबह से अपने घर में सो रहा था, मुन्नी 5 घंटों से किताब पढ़ रही थी, ये दो वाक्य लिखा गया है। इन दोनों वाक्यों से जरा समझते हैं बात, कहानी क्या है। अगर मैं केवल इतना समझूं कि राजेश अपने घर में सो रहा था, तो आप कहेंगे कि ये जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसे ही अगर हम इस वाले वाक्य में भी समझें कि मुन्नी किताब पढ़ रही थी, तो इसे भी आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब जरा अच्छे से एक बात और समझिए, इसमें एक बात लिखी गई है सुबह से। क्या बात लिखी गई है? सुबह से। और यहां से बात लिखी गई है 5 घंटों से। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये राजेश अपने घर में सो रहा था तो ये कहानी पूरी पास्ट की है। कहानी तो पूरी अपने पास्ट की बात कह रहा है कि पिछले समय पे सो रहा था, अभी हो सकता है ना सो रहा हो, लेकिन जैसे ही इसमें समय आ जाता है सुबह से, वैसे ये बात और क्लियर हो जाती है कि ये कहानी पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में चल भी रही थी, पास्ट में कुछ बात इसकी खत्म भी हुई थी, लेकिन जैसे ही वर्तमान आया ये काम पूरा पूरा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। जैसे ही वर्तमान आया वैसे ही ये काम पूरा पूरा खत्म हो गया, समझ पा रही बात। और जैसे ही ये समय आया और कुछ बात बताया कि कुछ काम खत्म हो चुका है, तो हम लोगों ने इसको एक बात और जोड़ दिया, परफेक्ट। क्या जोड़ दिया? परफेक्ट। तो इस तरीके से ये वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट। अब हमको एक बात समझ भाई कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होगा जिसमें काम पास्ट में शुरू हो, पास्ट में चल रहा हो, पास्ट में ही खत्म भी हो गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ पा रही है? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ मुझे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आइए हम लोग इसका पहचान से शुरू करते हैं और ट्रांसलेशन तक चलते हैं, ठीक है। चलिए आंधी जी, पहचान देखते हैं इसकी क्या है। पहचान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो इसके बारे में। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में
रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे। आदि शब्द आने के साथ साथ, आने के साथ साथ समय का भी यदि बोध हो, समय का भी यदि बोध हो तो ऐसे वाक्य, तो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य मतलब जो इस पहचान को फॉलो करे, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाते हैं, वाक्य कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? क्या समझे आप कि अगर वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके ये तो आए ही आए, साथ में अगर समय का भी बोध रहे, समय भी दिया गया रहे, तभी हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए एक दो वाक्यों का एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा अंकिता, मैं और आप आधे घंटे से आलू काट रहे थे, एक और लिखा हम लोग अपनी किताबों को सुबह से अलमारी में रख रहे थे। ठीक है, ये मैंने दो दो वाक्य लिखे हैं, जरा इन दोनों वाक्यों को हम लोग समझेंगे पहले, अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस वाक्य में अगर यहां पर देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, अंकिता मैं और आप, ये वाक्य का सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि कोई काम यही करेगा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इस वाले वाक्य में देखेंगे तो हम लोग नाम का ये जो शब्द समूह है, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी काम जो करेगा वो यही करेगा। हमने कहा कि अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो अगर रहा था, रही थी, रहे से आता है तो इतने से क्लियर नहीं हो पाएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इतने से क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ी और बात समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, उसे जरा देखें हम। तो अगर यहां से देख रहे हैं रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर था थे है तो पास्ट होगा, रहा रही रहे हैं तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यदि इसमें समय का भी बोध हो जाए, क्या कहा, लेकिन अगर इसमें समय का भी बोध हो जाए तो ये बात हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। अब जरा तलाश करो समय का। तो यहां से जैसे ही आप समय का तलाश करेंगे तो आपको एक समय मिलेगा आधे घंटे। क्या मिलेगा? आधे घंटे। और यही आधा घंटा आपका जो समय, टाइम जो दिखा रहा है, यही जैसे ही मिला तो ये टाइम और रहा था, रही थी, ये मिल करके हमारा टेंस बनाया कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई बात समझ?
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। ऐसे ही यहां पर देखें तो सब्जेक्ट तो ही है, और अगर वाक्य के अंत में देखें तो रहे थे आया है, अगर यहां पर रहे थे आया है और इसके साथ हमारे समय पता हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो सुबह से जो यहां पर दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। और यहां से अगर ये सुबह से हमको टाइम मिल गया और टाइम मिलने के साथ साथ रहे थे मिल गया तो ये वाक्य जो हमारा बन के तैयार हुआ ये हुआ कौन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पहचान आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी सेंटेंस को अगर आपको दे दिया जाए तो आप लोग आराम से कैसे पहचान के बता दोगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, कौन से टेंस का वाक्य है, ये मैं आप अब बता दोगे। इसे जल्दी से एक बार आप लिख लो फिर हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। जल्दी से लिखिए, हो गया भाई। चलिए अब आते हैं नियम पर। जब मैं मिटा रहा हूं तो आप लोग दोहराते रहता हूं, ठीक है, रिवाइज करते रहता हूं। अब आइए नियम रूल्स पर आते हैं। रूल्स दो होगा, एक टाइम के लिए, एक होगा आपका टाइम के लिए और एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हम लोग केवल और केवल हेड लगाएंगे और हेड के साथ जोड़ना पड़ेगा बी। क्यों जोड़ना पड़ेगा इसकी कहानी आपको समझा चुका हूं। और टाइम के लिए आपको पुरानी दो चीजें जो हमने एक लेक्चर पूरा सेंस ऑफ फॉर के लिए बना दिया है, टाइम के लिए दो चीजें लगेंगी आपकी, एक लगेगा सेंस और एक लगेगा फॉर। सेम रूल है, सेंस कैसे लगाओगे फॉर कैसे लगाओगे। हैड बीन जब भी लगाओगे तो बीन लगा है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब सेंस लगाओगे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, आपको सिखा चुका हूं कैसे करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, और ये जब होगा तो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये दोनों बातें आपको लगानी है। अगर इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लें, स्ट्रक्चर देखें, सेंटेंस का पैटर्न देखें तो ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आपको यहां से हेड बीन लगाना पड़ेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़िएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइएगा, नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट उसके बाद जो भी चीजें बचेंगी रिमेन, ठीक है। जब भी निगेटिव आएगा तो आपको एक बात बता चुका हूं कि निगेटिव जब भी हम नॉट लगाते हैं तो वो किसके बाद लगाते हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। ये जो बीन आया है ये इस मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब बन गया है तो इसके बाद हेड बीन के बाद तो नॉट नहीं लगाएंगे हम, बल्कि किसके बाद लगाएंगे, हेड के बाद लगाएंगे। यहां पर मैं नोट में लिख देता हूं, नोट नो नॉट नेवर
नो नॉट और नेवर नो और नॉट और नेवर इज यूज्ड जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर हैड नॉट आफ्टर हैड बीन नॉट आफ्टर हैड बीन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो नो है नॉट है या नेवर है, इसे हम लोग हैड के तुरंत बाद यूज करेंगे, हैड के तुरंत बाद यूज करेंगे, हैड बीन के तुरंत बाद यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि हम इसे हैड के तुरंत बाद यूज करेंगे, हैड बीन के तुरंत बाद यूज नहीं करेंगे। इस बात का विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। दूसरी एक और जरूरी वाली बात है, क्या जरूरी वाली बात है, इसे जरा देखो, दिखाई दे रहा है सभी को, इसके नीचे लिखो। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं नोट में, एक और नोट, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस हैड इज शिफ्टेड, हैड इज शिफ्टेड नॉट हैव बीन। मतलब समझ पाए, केवल हम हैड को पहले लगाते हैं, हैड बीन को पहले नहीं लगाते हैं। इस बात को भी आप लोग जरा जल्दी से नोट करें, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसे भी जल्दी से आप नोट कर लें, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएं। जल्दी जल्दी करें भाई, चलिए देखिए सबका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जब मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सेंटेंस के पैटर्न को बना रहा हूं, तो आप लोग भी अब सीख गए हैं, अब बनाया करिए मेरे साथ। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ जब बनाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बनाइए मेरे साथ, सब लोग बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाइए, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बोली जल्दी से क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आप जोड़ोगे आईएनजी फॉर्म। अगर यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिख दूं तो आप घबराना मत, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहूंगा तो भी इसका मतलब यही होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको V4 लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराइए मत, वो सब बातें एक ही है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्टिन्यूस में ही समझा दिया। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाना, नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है बस, फिर यहां पर हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हमने निगेटिव की कही, निगेटिव की कहेंगे तो सबसे पहले आप मेरे भैया सब्जेक्ट लगाइए, और नॉट नो नेवर या निगेटिव कहां लगाएंगे, वो यहां पर लगाएंगे हैड के तुरंत बाद बीन के जस्ट पहले। ये नहीं कि हैड बीन नॉट कर दे, गलत हो जाएगा, हैड नॉट बीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा यहां पर नॉट। ठीक है,
और अब आपको लगाना पड़ेगा बीन। ठीक है, ये बात आप विशेष याद रखना, एग्जाम्स में ऐसी गड़बड़ी करके देता है। हैड नॉट बीन लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही लगाएंगे और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी और फिर यहां पर हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम लोग यहां पर लगाएंगे रिमेनिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो घबराना मत, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, अब इंट्रैक्टिव सेंटेंस में अगर आएंगे, इंट्रैक्टिव सेंटेंस में आएंगे तो कैसे बनाओगे इंट्रैक्टिव सेंटेंस में? हमने कहा केवल हेड को शिफ्ट किया जाता है, हेड बीन को शिफ्ट नहीं किया जाता। और अगर हेड बीन को शिफ्ट कर दिए तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, हेड बीन को शिफ्ट किए तो सेंटेंस आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, हेड बीन को किसी भी शर्त पे आगे नहीं करेंगे, केवल और केवल किसको आगे करेंगे? हेड को आगे करेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग किसको आगे कर दिए यहां पर? हेड को। और फिर हेड को जब आगे कर दिया तो यहां से बचा सब्जेक्ट, हमने लगाया सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद ये क्या लगा देंगे? बीन। और बाकी चीजें आपकी सेम, जैसे अफर्मेटिव में होता है वैसा ही होगा, बस एक चीज में परिवर्तन होगा, आप लोग जान गए होंगे। इसमें परिवर्तन होगा मार्क में, सिंबल में, पंक्चुएशन में। ठीक है, यहां पर जो आप फुल स्टॉप लगाते थे अब यहां पर इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो होगा उसमें कैसे करोगे? अब हेड तो पहले किए ही किया हो, सब्जेक्ट तो है ही, इन्वर्जन का तो पूरा कंप्लीट काम है। अब आपको डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड है वही शिफ्ट करना, वही शिफ्ट करना है कि डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड कहां पे लगाएं। तो जानते ही हो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड सबसे पहले लगाए जाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली यहां पर लगा दीजिए और उसके तुरंत बाद आप इस वाले पूरे 3.1 के कंस्ट्रक्शन को पूरा पूरा उतार सकते हैं। क्या करेंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप बीन लगाइए। देखिए पूरी चीजें कैसे सेट होती चली जा रही है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, उसके बाद आप लगाइए ऑब्जेक्ट और फिर लगाइए रिमेनिंग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ये तो हो गया आपके इंट्रोक्टिव तब का, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोक्टिव का, ये दोनों सिंगल इंट्रोक्टिव और डबल इंट्रोक्टिव। अगर मान लीजिए इंट्रोक्टिव और नेगेटिव आ जाए तो, इंट्रोक्टिव और नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? तो इंट्रोक्टिव और नेगेटिव आ जाए तो कुछ भी नहीं करना। हमने कहा था कि इंट्रोक्टिव और नेगेटिव सेंटेंस जब साथ में आते हैं तो जो नेगेटिव वर्ड होते हैं उनको हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद लिखते, बाकी कुछ काम नहीं होता। पूरा और पूरा वो स्ट्रक्चर इंट्रोक्टिव सेंटेंस का ही लगता है, केवल और केवल हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। इतना ही काम आपको करना और कुछ भी चीज ध्यान नहीं देनी है। ठीक है, आइए वही चीज हम लोग यहां पर करते हैं। हमने पहले वाले को देखा 3.1 के बाद 4.1 देखे, हेड हमने लगाया और उसके बाद लिखा आपका सब्जेक्ट और फिर इसी सब्जेक्ट के ही तुरंत बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नॉट लगा दिया। अब उसके बाद ये जैसा स्ट्रक्चर है पूरा पूरा उतारिए, यहां पर बीन लगा दीजिए। अब यहां पर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देता हूं तो आप समझ जाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलो तो आप समझ जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर जो भी चीजें आपके पास और चीजें रहेंगी उसे यहां पर आप लिख दें। याद रहे मार्क यहां भी इंट्रक्टिव का ही होगा, यहां पर अफर्मेटिव ना कर दीजिएगा कि नेगेटिव आ गया है तो हम यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं, आपको नेगेटिव ही लगाना है, इंट्रक्टिव का ही लगाना है। और चाहे ये नेगेटिव रहे, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है? नेगेटिव में क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? नेगेटिव में क्वेश्चन है, तो आप इसे घबराया ना करो। ठीक है, अगला देखिए 4.2। इस वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बस आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। हमने लगाया डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट और उसी के तुरंत बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। ठीक है, नॉट लगा दिया और उसके बाद हमने क्या किया? बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगाया आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद हमने लगाया रिमेन, ठीक है। और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क ही आपका लगेगा। तो ये पूरे स्ट्रक्चर हो गए, छह स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, ये छह स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। जरा इसको आप लोग एक बार लिख लें, फिर उसके बाद हम जल्दी से इसके एग्जांपल करने चालू कर देते हैं। इस पर यहां पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है। जल्दी करें, जल्दी से उतारें इसे आप सब। हो गया भैया, हो गया, जल्दी बताएं। चलिए स्ट्रक्चर अब आप लोग बनाना भी जान गए हैं और लिख भी लिए हैं, अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद उसमें आपको जैसे एक यूज बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, वैसे ही एक यूज इसमें भी आपको बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए करते हैं एग्जांपल, जैसे सुधा 5 घंटों से हिंदी पढ़ रही थी, ठीक है। हम लोग आपके साथ सात माह से मुंबई में रह रहे थे, ठीक है। वह सोमवार से गरीबों के लिए खाना बना रहा था। वह सोमवार से गरीबों के लिए खाना बना रहा था। राजेश, पिंकी और प्रियंका, राजेश, पिंकी और प्रियंका 2007 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, ठीक। ठीक लिखा, क्या मोहित 2 वर्षों से क्या मोहित 2 वर्षों से अपने कार्य स्वयं कर रहा था?
में लिखा मैं दीपावली से, आप सब बनाते रहिए, आप सब ट्रांसलेट करते रहा करो, गलत सही क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते रहा करो। मैं दीपावली से यह पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, क्या मैं दीपावली से यह पुस्तक पढ़ रहा था? आगे लिखा है वे लोग राम के पुत्रों के साथ 2 माह से कहाँ रह रहे थे? ठीक है, ये हमने कुछ वाक्य लिखे हैं, इन्हें हम सबको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या है। सुधा 5 घंटों से हिंदी पढ़ रही थी, तो हमने देखा कि पहचान पूरी है, पढ़ रही थी, समय भी यहां पर दिया है 5 घंटों से। अब हमको इस ट्रांसलेशन को करना है। सुधा लिखा है तो सुधा तो नाम ही है, सुधा मतलब वैसे अमृत होता है, सुधा, और सुधा सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग यहां से क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सुधा हैज बीन हमने यहां पर लिख दिया। अब सुधा हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो हो गया सुधा हैज बीन पढ़ना है, तो होगा रीड, और रीड में जोड़ेंगे आईएनजी, जो सुधा हैज बीन रीडिंग, यहां पर क्या लिखेंगे, सुधा हैड बीन रीडिंग क्या, हिंदी, हैड बीन रीडिंग हिंदी। अब 5 घंटे से है तो आप क्या लगाएंगे, फॉर फाइव आवर्स, ठीक है, बन गया ट्रांसलेशन। अगला लिखा है हम लोग आपके साथ 7 माह से मुंबई में रह रहे थे। हम लोग की अंग्रेजी वी, और वी के साथ आप लगाएंगे हैड ही, ठीक है, इसमें तो हैड ही लगेगा, इसमें तो कुछ और लगना नहीं है, हैव हैज तो लगाना नहीं है, हैड ही लगाना है। हम लोग वी हैड बीन रहना की अंग्रेजी दी वी हैड बीन लिविंग, कहां रह रहे थे, मुंबई में, वी हैड बीन लिविंग विद यू इन मुंबई फॉर सेवन मंथ्स, ठीक है। वह सोमवार से गरीबों के लिए खाना बना रहा था। ऊपर के सेंटेंसेस अगर आप कहें तो मैं मिटा दूं, ऊपर अगर आप लोग लिख लिए हो तो मैं उसे मिटा दूं, तो ऊपर बनाता चलो, ठीक है, ऊपर मैं मिटा दूं, चलिए ऊपर मैं मिटा देता, ठीक है। देखिए वह सोमवार से गरीबों के लिए खाना बना रहा था, तो वह आपका सब्जेक्ट है, आप लगाइए ही, लड़का है इसलिए ही, बना रहा था हैड बीन, ही हैड बीन, बनाना की अंग्रेजी कुक का करेंगे कुकिंग, ही हैड बीन कुकिंग फूड, किसके लिए बना रहा था, गरीबों के लिए बना रहा था, किसके लिए, गरीबों के लिए, ही हैड बीन कुकिंग फूड फॉर द पुअर, कब से बना रहा था, सोमवार से, तो अब सोमवार से है तो क्या लगाओगे, सिंस मंडे। अब ये सब चीजें आप सीख गए हो, मैं बार बार इस पर चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। राजेश पिंकी और प्रियंका 2007 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो कौन कौन पढ़ा रहे थे, राजेश पिंकी एंड प्रियंका, had been teaching इस विद्यालय में, in this school, had been teaching in this school, कब से पढ़ा रहे थे बेटा, 2007 से, तो क्या लगाओगे, since 2007, ठीक है।
क्या मोहित दो वर्षों से अपने कार्य स्वयं कर रहा है, कर रहा था। अब आप अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर देख रहे हो मोहित को प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेड को पहले लगा दो, हो गया हेड मोहित। और हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद लगाओगे बीन, हेड मोहित बीन, अब कर रहा है तो यहां पर लगाओगे डूइंग, हेड मोहित बीन डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। अब खुद से या स्वयं से की अंग्रेजी होती है इसके हिज के लिए हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हिज वर्क, हिमसेल्फ हैड मोहित बीन डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ, कब से कर रहा है दो वर्षों से, तो दो वर्षों के लिए लगाएंगे फॉर टू इयर्स, ठीक है। आगे लिखा गया क्या मैं दीपावली से यह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या मैं दीपावली से यह पुस्तक पढ़ रहा था, फिर से सिंगल इंट्रक्टिव है, तो आप किसको पहले लगाओगे, हेड को पहले लगाओगे। मैं इधर आगे लिखता हूं, तो हमने लिखा हेड आई, और इसके आई के तुरंत बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन, हेड आई बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, हेड आई बीन रीडिंग दिस बुक, हेड आई बीन रीडिंग दिस बुक, कब से पढ़ रहा हूं, दीपावली से, तो आपको लगाना पड़ेगा सिंस दीपावली, Had I been reading this book since Deepavali? दिवाली नहीं लिखा जाती, दीपावली होती है, ठीक है। बहुत लोग गलत गलत लिख देते हैं दीपावली को दिवाली, तो क्या हो गया, Had I been reading this book since Deepavali? यहां पर बुक रहेगा, बुक आप लिख देना। लास्ट देखिए, वे लोग राम के पुत्रों के साथ दो माह से कहां रह रहे थे, वे लोग राम के पुत्रों के साथ दो माह से कहां रह रहे थे, तो वे लोग हमारा ये सब्जेक्ट है, हमने लिखा दे, दे। अब अगर हम लोग कहां वाला देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, तो इस कहां को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो हम सीधे से बनाना शुरू करते हैं वेयर से, तो वेयर के बाद तुरंत आपको लिखना पड़ेगा इसका हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया हैड, वेयर हैड। अब वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, वेयर हैड दे, वेयर हैड दे बीन लिविंग, रह रहे थे लिविंग, वेयर हैड दे बीन लिविंग, इसके साथ रहते हैं राम के पुत्रों के साथ, वेयर हैड दे बीन लिविंग विद द सन ऑफ राम, भी लिख सकते हो सन्स, राम सन्स भी लिख सकते हो दोनों, विद द सन्स ऑफ रामा, कब से रह रहे थे भैया, जरा देखो दो माह से, तो आप लगाओगे क्या, फॉर टू मंथ्स, फॉर टू मंथ्स, ठीक है जी। Where had they been living with the sons of Rama for two months? ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हुआ। अब ऐसे आप लोग इसका ट्रांसलेशन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए, यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना। अब दूसरी बात, एक यूज होता है, क्या यूज है, जरा उसे भी सीखें, इसे आप लोग लिखेंगे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कभी कभी ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं जो समय का बोध नहीं करा रहे होते, जिसमें समय छिपा रहता है, समय को समझना पड़ता है, और यदि आप समय नहीं समझे तो तुरंत आप उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस समझ लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझ लेंगे, और इस तरीके से जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो वाक्य हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो जब वो वाक्य गलत हो जाएगा तो वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपको गलत लगेगा भी नहीं, गलती भी हो जाएगी और आपको गलत लगेगा भी नहीं। तो कैसे नहीं लगेगा, उसके लिए जरा सा हम लोग छोटी सी बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम पास्ट में भी था और पास्ट में भी हो और अभी भी हो, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि जब कोई काम पास्ट में चालू और प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव देखने को मिले, उसका प्रभाव देखने को मिले, तो उसे हम लोग समय न देने के बावजूद भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ जाते थे। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई काम ऐसा हो जो पास्ट में ही शुरू हो, वो पास्ट में खत्म होने तक उसका प्रभाव बना रहे, ठीक है, और इस समय जब वो वर्तमान में कोई बात कह रहा हो तो उस समय उसका प्रभाव ना हो, उस समय उसका प्रभाव ना हो, तो ऐसे वाक्य अगर आपको मिलते हैं तब उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम से बना देते हैं। कैसे बनाते हैं जरा देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, पहले वाक्य आप समझिए, जैसे मैं चार दिनों से
बीमार था, मैं चार दिनों से बीमार था। इधर लिखा मैं चार दिनों से बीमार हूं, ठीक है। तो इस वाले वाक्य को तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब जरा इसमें आप समझे, जैसे ये है प्रेजेंट, ये आपका है प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है। मैं चार दिनों से बीमार हूं तो ये कब कहा होगा, यहां पे कहा होगा, कोई व्यक्ति जो रहा होगा वो यहां पे कह रहा होगा मैं चार दिनों से बीमार, तो इसका मतलब ये इसके पहले बीमार था, आज भी बीमार है और आगे भी बीमार रहने की आशंका है। तो आप मुझे बताओ यहां से चार दिनों के आने से ये बात पता चल गई ना कि ये आदमी बीमार है और इसमें भी समय है और वो काम का प्रभाव भी दे रहा है, लेकिन रहा नहीं रहे तो है नहीं। लेकिन इसको भी हम किसी तरीके किस तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप इसे बनाते थे तो कैसे बनाते थे, आई हैव बीन इल फॉर फोर डेज, ऐसे ही बनाते थे ना आप। अब इसी में कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये होता होता नहीं है। ऐसे ही जब मैं इस वाले बात को कहूंगा तो आप भी इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना समझ के पास्ट परफेक्ट टेंस ही समझिएगा। तो इस तरीके से आप इसे बनाते थे। अब जरा इधर समझिए, यहां पर है ये प्रेजेंट, ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका पास्ट। अब इसमें काम पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में उसका प्रभाव दिख रहा था, फ्यूचर में भी हो सकता है चले, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। लेकिन इस वाले वाक्य में देखेंगे मैं चार दिनों से बीमार था, ये बात जब खुल के आई तो प्रेजेंट में खुल के आई, ये बात जब खुल के आई तो ये प्रेजेंट में खुल के आई। इसका मतलब ये इधर पास्ट तक तो बीमार था, लेकिन इसी पास्ट में ये सही भी हो गया और वर्तमान स्थिति में ये बिल्कुल सही है और यही बात ही बताना चाह रहा है। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि एक काम चल रहा है और ये काम रेगुलर चल रहा है, इसका प्रभाव भी पास्ट में देखने को मिल रहा था। तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो वहां पर हम लोग हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ प्रयोग करेंगे, हैड के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे। समझ में आएगा। अब इसे अगर ट्रांसलेट करिए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे जरा हमको बताइए। आई हैड बीन इल फॉर फोर डेज, ठीक है। आई हैड बीन इल फॉर फोर डेज, मैं चार दिनों से बीमार था, आई हैड बीन इल फॉर फोर डेज, ये आपका सही ट्रांसलेशन होगा। लेकिन अगर आप कह दें आई एम सफरिंग या आई एम कुछ ऐसे कर देंगे, इलिंग सिकिंग कर देंगे, तो वो बात क्या हो जाएगी, आपकी पूरी पूरी गलत हो जाएगी। ऐसे ट्रांसलेशन आप लोग नहीं करेंगे। ये बात आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी। आइए दो चार वाक्य और देखते हैं। मैंने लिखा मेरा छोटा भाई 11 महीनों से दिल्ली में था। भारत सन 1600 ईस्वी से अंग्रेजों का गुलाम था। वे लोग कई सालों से अमेरिका में थे, ठीक है।
वे लोग कई सालों से मेरे साथ अमेरिका में थे। ये सब मेरा वाक्य है, जरा इसे हम लोग बनाते हैं। मेरा छोटा भाई 11 महीनों से दिल्ली में था। अब आप बताओ, था तो मतलब रह रहा था, ऐसी कुछ बात कहना चाह रहा होगा। मेरा छोटा भाई 11 महीनों से दिल्ली में रह रहा था, इस मतलब दिल्ली में था। तो पास्ट में वो काम चल रहा था, पास्ट में उसका कुछ भाग खत्म भी हुआ और वर्तमान में वो काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट में वो काम पूरा पूरा कंप्लीट फिनिश हो चुका है। तो अगर वो काम प्रेजेंट में फिनिश हो चुका है तो हम लोग किससे बनाएंगे? हेड बीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हेड बीन से। तो मेरा छोटा भाई, अब मेरा छोटा भाई की अंग्रेजी होगी माय यंगर ब्रदर। माय यंगर ब्रदर हैड बीन। अब रहना की अंग्रेजी नहीं है तो नहीं लगाएंगे, याद रखना इस बात को। हैड बीन इन दिल्ली, हैड बीन इन दिल्ली फॉर 11 months। ठीक है, क्लियर हुई बात? माय यंगर ब्रदर हैड बीन इन दिल्ली फॉर 11 months। क्लियर? भारत सन 1600 से अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्या कहेंगे? इंडिया हैड बीन स्लेव ऑफ द इंग्लिश कब से? सिंस 1600। ठीक है, वे लोग कई सालों से मेरे साथ अमेरिका में थे। तो वे लोग की अंग्रेजी they had been with me in America for many years। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपका बनके तैयार हुआ। तो आई होप कि आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप लोग इसे कर लेंगे। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, पढ़ाई करें अच्छे से और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।